अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनाना की खिदमत में फिर से हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ शॉपिफाई। तो आज हम बात करेंगे हम कैसे अपने प्रोडक्ट पेज मोबाइल टेम्पलेट के ऊपर ऐड टू कार्ट का बटन ऐड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऐड टू कार्ट बार ऐड की थी अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज पर डेस्कटॉप वर्जन पर। तो आप इस वीडियो से पहले देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे ये जो इस वीडियो में भी जो काम होगा सारा उससे रिलेटेड है, क्योंकि टेक्निकल सारा काम हमने उसमें किया हुआ है। हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, उस जो बार को हमने अपने प्रोडक्ट पेज पे बनाई थी डेस्कटॉप बार को, उसको मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो मोबाइल वर्जन में कन्वर्टेड नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है वो मोबाइल पर अगर खोलें तो वो बुरी लगती है। तो हम उसे मोबाइल वर्जन पे एक बटन में कन्वर्ट कर देंगे, जो सिंपली बॉटम पे एक बटन ही शो हो। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन में देखें तो आपको एक पूरी बार शो होती है, जैसे कि इमेज, उसका टाइटल, देन प्राइस और ऐड टू कार्ट का बटन। तो लेकिन अगर अब हम मोबाइल में क्या करेंगे, हम उसे सिर्फ एक बटन में कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो अपने चलते हैं स्टोर के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, मैंने ओपन किया हुआ है। अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊँ तो ये नीचे बार ओपन हो रही है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में पूरी आपको बनाना सिखाई थी कि कैसे बनाते हैं, इसका लिंक मैं लगा दूंगा। अगर इस वीडियो देखने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर मैं इसे मोबाइल वर्जन में जाता हूँ, हम इंस्पेक्ट में जाते हैं और ये इसका मोबाइल वर्जन ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये मोबाइल वर्जन आ जाता है किसी भी साइट का। ठीक है, तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ तो ये देखें, ये आ गई वो बार, लेकिन ये बहुत बुरी लग रही है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम ये ऐड टू कार्ट का बटन इस पूरे पे कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सारा इसे हाइड कर देंगे। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और ये हमारी स्टिकी कार्ड की डिव थी। तो हम अपने एडमिन में जाते हैं, हम सी एस एस की फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमने उसके लिए एक सॉरी कोड लगाना है, स्टिक सी एस एस क्यूरी का, मीडिया स्क्रीन की क्यूरी का। ठीक है, तो हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे एट मीडिया सी एस एस। ठीक है, तो हमें क्यूरी दे देगा। मीडिया क्यूरी क्या होती है, मीडिया क्यूरी होती है कि आपको बताती है कि आप स्क्रीन के किस विड्थ पे अपने काम करना है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा सी एस एस की, कि मीडिया क्यूरी क्या होती है, कैसे इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर ली है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा और हम यहाँ पर इसकी बता देंगे मैक्स विड्थ 767, इसे नीचे सारे मोबाइल स्क्रीन शो होती हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ क्या हुआ कि जी ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ जो है वो 767 हो, पिक्सल हो किसी भी स्क्रीन की। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा ना हो। तो मोबाइल की, लैपटॉप की अगर इतनी स्क्रीन है तो मोबाइल की इतनी सी होगी, और मैंने उसे बता दिया कि 767 से कम हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसे नीचे नीचे रह के ये सारा काम करेगा। अब हम जो भी सी एस एस अप्लाई करेंगे वो इस विड्थ से नीचे नीचे रह के अप्लाई होगी। हम इंस्पेक्ट करते हैं और एक हमारे पास ये लेफ़्ट डिटेल्स हैं और एक ये राइट डिटेल्स हैं। मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट डिटेल वाली डिव पकड़ूँगा, उसकी ये सारी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम जाएंगे इसे पेस्ट कर देंगे और कर देंगे डिस्प्ले नन, ताकि ये हाइड हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये राइट वाली डिव है इसको हमने विड्थ 60% दी हुई है, मैं इसकी भी क्लास पकड़ूँगा और इसको हम हाइड नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ विड्थ इसकी 100% कर देंगे, ताकि ये मोबाइल स्क्रीन के पूरे नीचे आ जाए। ठीक है, अब मैं रीलोड करता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। अब आप देखेंगे ये लेफ़्ट बार हाइड हो चुकी है, ये मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है। ठीक है, और ये जो राइट बार थी ये फुल विड्थ पे आ गई हुई है। अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, ये यहाँ पे इसकी विड्थ चल रही है। ठीक है, देखिएगा, जब जैसे ही 767 से ऊपर जाएगा तो ये क्यूरी ख़त्म हो जाएगी, ये तो डिस्प्ले नन ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ से इसे बड़ा करता जाता हूँ, ये देखिए अब ये 848 आ गया, तो डिस्प्ले नन वाली क्यूरी ख़त्म हो गई, हमारा ये लेफ़्ट वाला वापस आ गया। मैं इसे दोबारा छोटा करता जाऊँगा, अब डिस्प्ले नन वाली क्यूरी 767 की दोबारा वापस आ गई हमारे पास। आप यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर सकते हैं या किसी मोबाइल फ़ोन पर भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 121 रुपीज़ भी रिमूव करनी है और ऐड टू कार्ट को फुल विड्थ करके हमने स्क्रीन इस पे ले आना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट के अंदर जाऊँगा, प्राइस की डिव पकड़ेंगे हम ये वाली, इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हम डिस्प्ले नन कर देंगे।
डिस्प्ले नन, ये डिस्प्ले नन हो गया। अब सॉरी रीलोड हो गया, ये देखें ये वो भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, अपने कार्ड वाले डिव पे जाना है, इसको विड्थ करनी है हमने 100%, टेक्स्ट लाइन कर देना सेंटर, और देन हमने सिर्फ बटन को क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100%, पैडिंग इसी कर देंगे हम 20 पिक्सल, ठीक हो गया। इतना सा काम हमने करना है। कार्ड बटन, ये क्लास मैंने उठाई यहाँ पे लगा दी, और उसे बताऊँगा इस स्टिकी कार्ड के अंदर जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो कार्ड बटन है उसकी विड्थ 100% कर दे, और फिर यही क्लास मैंने दोबारा पकड़ी सॉरी ऐसे, और इसके अंदर कह दिया कि जिसके अंदर जो बटन है ठीक है उस पर जी सारी मैंने सी एस एस लगाई थी, ये मैं अप्लाई कर दूंगा। ये हो गया, इसे हाइड करता हूँ। अब आप स्क्रॉल डाउन पे करेंगे तो ये नीचे ऐड टू कार्ट का पूरा बटन आ गया, ठीक हो गया। तो अगर आप चाहें तो ये राइट और लेफ्ट साइड पे आपको ये वाइट स्पेस नज़र आ रही है, ये हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टिकी कार्ड की जो डिव है इसको मैंने पैडिंग दी हुई है, तो मैं इसकी सिंपली पैडिंग ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये स्टिकी कार्ड की क्लास पकड़ ली हमने, और इसमें हम कर देंगे पैडिंग 0, सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर आप नीचे देखें नॉर्मली ऐसे है, जैसे ही ऐड टू कार्ट ऊपर जाता है तो ये पूरा बटन एक कार्ड का नीचे आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा कार्ड ही है, ठीक है, बटन ही बना हुआ है। तो ऐसे हम एक बार को कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिवनेस की क्यूरीज होती हैं किसी भी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, CSS मीडिया क्यूरीज। मैं इस पर सेपरेटली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मोबाइल डेस्कटॉप पे अगर देखते, अगर हम ये सारी CSS की चेंजेस ना करते, तो मैं इसे डिवर्ट करके दोबारा आपको दिखा देता हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे कैसा बुरा, मोबाइल पे कैसे बुरी लग रही थी बार। और कोई भी क्लाइंट, जो भी आपका क्लाइंट है, वो जो भी आप अपनी साइट पे चेंजेस करके देते हैं, वो पहले मोबाइल पे चेक करता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब लैपटॉप अपना कंप्यूटर खोले और चेक करे। जैसे ही आपने उसे कहना कि यार ये चेंजेस चेक करो, उसने मोबाइल उठाना है और उसमें से जाकर सारा चेक कर लेना है, और अगर मोबाइल पर वो पैरा नहीं लगेगा तो वो आपका इम्पैक्ट उस पर अच्छा नहीं जाएगा। तो कोशिश करें मोबाइल पर पहले उसको सारा सेट करके दें, अभी ये कितना बुरा लग रहा है। और जैसे ही हमने अपनी ये चेंजेस की हैं, उसे सेव किया है, तो हमें एक पूरा बटन मिल गया नीचे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी हमारी चल रही है, क्योंकि सारी फंक्शनलिटी हमने पिछली वीडियो में ऐड की हुई है, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी फंक्शनलिटी और डिज़ाइन सारा मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। इसमें सिर्फ हमने उस बार को एक ऐड टू कार्ट बटन में कन्वर्ट किया है, ठीक हो गया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।